ब्लॉग का स्वागत है, बबलेस ब्लॉग पे आपको दिल से स्वागत है। फिर से ब्लॉग के साथ, तो गाइस देख रहे हैं आज मैं कहाँ पे आया हूँ। और गाइस बहुत बड़े सब जगह जा रहा हूँ जो घूमने, टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि STLOCS चैपल, जैसे कि एक चर्च है, क्रिश्चियन लोग को वही चर्च जा रहे हैं घूमने। तो गाइस आप लोग चाहिए, अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने बाद पहला प्रेस करना, कंटिन्यू ग्रो का था देगा मेरे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और गाइस आप लोग रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स दीजिए मेरे वीडियो को, आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए। तो गाइस चलिए, कितना अधिक बिल्डिंग और ये जो बना है स्टैचू, पता नहीं कौन सा स्टैचू। और गाइस देखिए बिल्डिंग, इधर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है। और जा रहे हैं मैं आगे STLOCS के चैपल के पास, उधर जाता हूँ घूमने। तो गाइस चलिए आप लोग साथ भी चल रहे हैं। और गाइस काफ़ी मज़ा व्यू है, काफ़ी हमें देखे नहीं, हमें नहीं गए हैं। और गाइस का कि पहली बार जा रहे हैं, वो भी हम गूगल के थ्रू जा रहे हैं, गूगल में ही देख के जा रहे हैं कैसा था और कैसा नहीं, हमको खुद मत देख के ही मालूम पड़ेगा। तो गाइस चलिए आगे, घर में पहुँचने वाले हैं हम STLOCS चैपल मैंगलोर। काफ़ी बड़ा क्रिश्चियन का ये मंदिर है, वैसे चलते हैं, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा है, क्योंकि हम भी देखे नहीं जा रहे हैं, हम भी नेट के थ्रू गूगल के थ्रू जा रहे हैं। और गैस के लिए दिखाते हैं हम लोग कुछ ही, ताकि सभी लोग NCC लोग तैयारी हो रहा है। और गैस से भी चलते हैं आगे की ओर। फिलहाल ही पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, और अंदर जाना है इससे। और उधर काफ़ी ज़्यादा NCC वगैरह तैयारी चल रहा है, और आगे भी उधर चल रहा है, ताकि दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो कैसे चलते हैं आगे इससे, और जाएंगे हम अभी अंदर, सारा कुछ दिखाते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं, ताकि हम भी पहली बार जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस मैंने परमिशन ले लिया, क्या कि चैपल में परमिशन, नो परमिशन भी है, क्या कि वीडियो ऑटोग्राफी लेने का मना है। तो गाइस मैंने परमिशन ले लिया, जा रहे हैं अंदर। अंदर का आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा ब्लॉग। तो गाइस चलिए, उधर NCC का कार्य चल रहा है, NCC का। तो गाइस चलते हैं अंदर की ओर, क्या कि चैपल में बिना परमिशन का नॉट अलाउड, ऑटोग्राफी फोटोग्राफी कोई कुछ नहीं ले सकते हो। तो गाइस जा रहे हैं, अब हम अंदर घुसेंगे, अंदर की ओर जाते हैं। देखिए इधर से अंदर जाना है, और ये मैंने ले लिया परमिशन, आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है पूरा। गाइस से भी जब तक मैं शूज़ खोलता हूँ, तो गाइस चलिए। ये ब्रदर एंटोनियो मोशिनी ने पेंटिंग किया था, किस ईस्वी में? ओके वेट, ईस्वी में ये ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, लेकिन ईस्वी उसने बनाया, ये पेंटिंग बनाया था 1899 फरवरी में, उसमें से कब तक 1901 अगस्त तक, दो साल दो महीने में ख़त्म किया था पेंटिंग। जितना सारा पेंटिंग बनाया है वो दो साल और दो महीना तीन महीना में ख़त्म किया था, कंप्लीट किया था। और ये जो पेंटिंग दो तरीक़े से बनाया है, एक पेंटिंग जो दीवार में लगा है वो पेंटिंग उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, और जो सीलिंग में बनाया है वो पेंटिंग ऑयल पेंटिंग, सिर्फ कैनवस में बनाया है, कैनवस में पेंट करते उसके बाद उसको छुपाया गया है। ये जो पेंटिंग उन्होंने अभी इसका पे एक नौ एक सा पंद्रह साल नहीं पंद्रह साल नहीं सौ साल और तीस साल हो गया, सौ साल के बाद तीस साल मतलब 130 ईयर्स उसको बना के हो गया है।
जो इसके बाद इसको 2 साल रेस्टोरेशन किया है, पेंटिंग को 2 साल रेस्टोरेशन, अभी वो लगता है इतना अभी अभी बनाया जैसा लगता है, क्योंकि अभी 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 ऐसा 1 महीना हो गया है। नहीं ऐसा नहीं है कि उसका 130 ईयर्स 100 साल 30 साल हो गया है। तो मतलब ये कैसा उसने रखाया गया कि इंडिया इंडिया का जो आर्कियोलॉजियर ने इसको पेंटिंग को रेस्टोरेशन किया है दो बार भाई। एक 1996 में और दूसरी बार 2018 में दो बार रेस्टोरेशन किया है। रेस्टोरेशन का मतलब क्या है? रेस्टोरेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है, हर इंच में उसका जो धूल है वो निकालने का, लेकिन पेंटिंग को कुछ नहीं करने का, पेंटिंग ऐसे ही रखने का, सिर्फ धूल निकालने का। वो काम क्या है अब हमको बताइए फादर के बारे में। फादर के बारे में okay. वो फादर नहीं है, वो ब्रदर था okay. वो जेजुइट उनका जेजुइट्स बोलते हैं उनको जेजुइट्स। वो फादर को उन्होंने उनके पास आया था, वो उनके साथ आया है, इधर आया था, उन्होंने बनाया है। वो ये जो ब्रदर है इटली में उनका वो जन्म हुआ था इटली में 1854 में। बाद में वो पहले से उधर से ही वो पेंटर था। उनका पेंटर जो है अद्भुत है, वो इतना ये था जो माइकल एंजेल को हम कंपेयर कर सकते हैं। माइकल एंजेल उतना अच्छा पेंटर था वो। yes. वो इधर आके ये जब 1899 वहाँ गए थे, ये सारा इमारत मतलब बिल्डिंग वो रेडी था, ये चैपल रेडी था। उन्होंने आके सीधा पेंटिंग बनाने को शुरू कर दिया। उसके बाद वो बना के बाद उसके बाद वो जो लेड और पेंटिंग पिगमेंट्स वेजिटेबल पिगमेंट्स तरकारी का पिगमेंट्स बना के वो बनाया था। उसके बाद बनाने के बाद उसको ये जो जो सीसा है उसका जो ब्लड है उसका पॉइजन हुआ था okay. उससे मर गया वो 1905 में मर गया था। लेकिन वो पेंटिंग आज तक ऐसा ही रह गया है। सो ऊपर वाला पेंटिंग सेंट एलोशियस का है, संत एलोशियस को उसको बनाया है okay. और दीवार में वो सबका जीसस क्राइस्ट का उसका जीवन चरित्र में चरित्र का में बारे में बताया है। आप उधर से जाके ऐसे मेरे साथ आएंगे ओके। इसके बारे में बता सकता हूँ थोड़ा? बता ये जीसस का जन्म का चित्र है। इसमें एक पेंटिंग का क्या क्वालिटी है जो लगता है कि रोशनी अंदर से आ रहा है ओके। लेकिन बनाए हुआ है वो जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कैविटी इसको अंदर बनाया था, लेकिन रोशनी अंदर से आ रहा है okay. ऐसे बनाया हुआ है। बात नहीं क्या है
परिसर भी बारे में बताएं, यही अलग परिसर लेके मैं यहाँ पे आया और सारा कुछ वीडियो में किया और अंकल भी बताएं, तो अंकल को थैंक्स, थैंक अंकल, चलते हैं। सी एस से मैं घूम के आ गया और चलते हैं रूम की ओर। तो गाइस आप लोग अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही आप लोग रेगुलर ब्लॉग मिलते रहेगा मेरे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। तो गाइस आज के लिए इतना।